पर्यटन सीजन के चलते मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली प्रशासन ने ट्रैफिक जाम से पर्यटकों व आम जनता को निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है और ये ट्रैफिक प्लान न सिर्फ पर्यटन सीजन में रहेगा बल्कि पूरे साल इस ट्रैफिक प्लान को लागू किया जाएगा। इस बार भी एक नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है जिसमें वन वे का प्रोविजन किया गया है, चाहे वो शहर की तरफ मनाली टाउन की तरफ और जो सेकंड जो है जो एनएच का प्लान है तो उसमें वन वे जो है व्हीकलर मूवमेंट होगी और इसमें जो है जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टैक्सी यूनियन हो, होटल एसोसिएशन, सभी से हमारी बात हुई है और सभी ने इसमें हामी भरी हुई है। इसके अलावा हम कुछ सिटीज़न वॉलंटियर्स जो हैं उनको भी डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि वो अपनी सेवाएँ दे सकें। इसके अलावा जो है मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये प्लान काफ़ी डिटेल में इसको सोचा गया है, काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट किया गया है, सभी लोगों से जितने भी जो अफेक्टिव एजेंसीज हैं उनसे बात हुई है और सभी ने इसमें मतलब अपनी सहमति जताई है। अब इसको जिस इसमें इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं सबकी इसमें सहयोग की ज़रूरत है ताकि ये एक प्लान जो है इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्लान है वो परमानेंट होगा, 365 डेज 24/7 इसको इम्प्लीमेंट लागू किया जाएगा ताकि एक यहाँ पे जितने भी हमारे स्थानीय बाशिंदे हैं, चाहे वो टूरिस्ट हों, एक हैबिट बन जाए कि एक प्लान बनाया गया मनाली टाउन के लिए और इसको जो है फॉरएवर इसको यूज किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।